हेलो एवरीवन, दिस इज़ सतीश गोयल, फिजिक्स लेक्चरर। आज आपके लिए हम लाए हैं एक और वीडियो जिसका हमारा टॉपिक रहेगा रेडियन, सिर्फ रेडियन। बहुत ब्रीफ और छोटी वीडियो रहेगी जिसमें हम रेडियन को डिस्क्राइब करेंगे। रेडियन होता क्या है? अगर हम एक सर्कल की बात करें जिसकी रेडियस क्या है, आर है। हम ध्यान दीजिए, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वन रेडियन। जो वन रेडियन क्या है, ये एसआई यूनिट ऑफ एंगल है। लेकिन ये होता क्या है वन रेडियन, उसकी बात कर रहे हैं। वन रेडियन की वैल्यू क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सो इसको डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पर ये भी आर है, और ये थीटा एंगल कितने एंगल को हम रेडियन कहते हैं, वन रेडियन कहते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये वन रेडियन तब कहा जाता है जब ये वाली जो अर्क होती है, ये अर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी भी लेंथ आर ली जाए, तब उस एंगल को वन रेडियन कहा जाता है। रेडियन की डेफिनेशन क्या हो गई? वन रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबस्टेंडेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। मीन्स वो एंगल जो इस आर्क ने बनाया है, जिसकी लेंथ क्या है, उस सर्कल की रेडियस के बराबर होती है, वो एंगल वन रेडियन कहलाता है। अभी तक हमने डिस्कस किया, ये जो लेंथ है, अगर इसकी लेंथ रेडियस के बराबर है, देन दिस एंगल इज वन रेडियन। बट अब जैसे ही ये लेंथ बढ़ती है, बढ़ने का मतलब सपोज करो यहां तक पहुंच गई, ये लेंथ यहां तक पहुंच गई, तब एंगल भी क्या है, वो भी बढ़ गया। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा। मींस वो वन रेडियन से बढ़ता जाएगा। सो थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, गिवन रेडियस के लिए। सो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी, वैसे वैसे थीटा बढ़ेगा। सो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो गिवन रेडियस के लिए, गिवन आर्क के लिए एंगल को इवेल्यूएट करता है इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ रेडियन। जो भी इसमें जो रिजल्ट आएगा, उसको हम रेडियन के टर्म में लिखेंगे। आपको एक छोटी सी बात बता दें, यहाँ पर हम कंप्लीट मैथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम मैथ्स के उन फार्मूलों को डिस्कस कर रहे हैं जो फिजिक्स के अंदर यूज़ होने हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल टूल्स हैं। हम पूरा मैथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लिमिटेड पोर्शन ऑफ मैथमेटिकल स्टडी कर रहे हैं जिसका यूज़ फिजिक्स के अंदर होगा। आई होप आपको रेडियन का मीनिंग समझ आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको टाइम से मिलते रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस।